गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म शुरू करेंगे। इसमें हमने स्नीजिंग वाला पोर्शन कर लिया है। अब हम करेंगे कि ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला पैरामीटर है प्रोसेस। प्रोसेस देखिए ब्रीथिंग का, इट इज़ फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। प्रोसेस में क्या होता है, ब्रीथिंग में क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस है, इसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में देखिए, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें खाने का ब्रेकडाउन होता है। एनर्जी देखिए, सेकेंड एनर्जी, एनर्जी इज़ नॉट रिलीज, ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड अकरेंस, इट अकर्स आउटसाइड द सेल्स, ये सेल के बाहर होती है ब्रीथिंग। इट अकर्स इनसाइड द सेल्स और ये सेल के अंदर होती है। ओके, फोर्थ है एंजाइम्स, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, ब्रीथिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। एंजाइम्स क्या होते हैं, कुछ स्टेजेस जो होते हैं रेस्पिरेशन के उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नीचे देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिप्स आर पुश्ड, इनहेलेशन के वक्त क्या होता है, रिप्स अपवर्ड्स होती हैं, इनवर्ड्स होती हैं, डाउनवर्ड्स होती हैं, साइडवर्ड्स होती हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जब आप इनहेल करते हो एयर को तो जो रिप्स हैं, जो आपका नीचे रिप्स हैं ठीक है लंग्स के ऊपर, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, तो क्या आएगा, अपवर्ड आते हैं। ठीक है, सेकेंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, एक्सहेलेशन के वक्त जब हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं तो स्पेस जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन सेम, डिक्रीज या नन ऑफ दीज। तो आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो एयर कैविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एयर डिक्रीज होती है ना। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है देखते हैं। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रेस होपर्स एंड कॉकरोचेस कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ग्रेस होपर, कॉकरोचेस, इनके पास क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं एयर को ट्रैप करने के लिए, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। देखिए यहाँ दिखा रखे आपको पिक्चर में, ये देखिए आपको ट्रैकिया दिखेंगे, ये देखिए बिल्कुल पतले पतले, ये क्या है, ट्रैकिया है, इसमें एयर ट्रैप होती है। द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया इज स्प्रेड इनसाइड द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, जो ये ट्रैकिया का नेटवर्क है पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। द ट्रैकिया हैव टिनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्पायरिकल्स, ये जो ट्रैकिया होते हैं इनकी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनको स्पायरिकल्स कहते हैं, ऑन द साइड ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, इंसेक्ट बॉडी के साइड में। ऑक्सीजन एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पायरिकल्स, फ्रॉम स्पायरिकल्स द एयर गोज इन टू ट्रैकिया, डिफ्यूजेज इन द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये देखिए स्पायरिकल्स हैं, इसके थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर ट्रैकिया के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में और टिश्यूज़ में, जिसके थ्रू क्या होता है, हर बॉडी सेल को और ऑक्सीजन मिल जाता है। हेयर ऑक्सीजन इज यूज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का यूज़ एनर्जी के लिए किया जाता है, जिससे कि फूड का क्या हो, ब्रेकडाउन हो जाए, एनर्जी रिलीज हो और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकिया एंड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पायरिकल्स। तो देखिए इनके में भी यही होता है, ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एनर्जी बनाने के बाद ऑक्सीजन के, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्पायरिकल्स के थ्रू बाहर आ जाती है। तो नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म्स। अभी हमने इंसेक्ट्स का पढ़ा, अर्थवर्म्स का हम अगली क्लास में करेंगे। Thank you all of you for listening to me.